तो मेरे भाई साहब बैठे ने, मैं खालसा जी वालों ये गलत होती रहती है। प्राइम मिनिस्टर नू प्रेजिडेंट नू मैं चिट्ठियां लिखी हैं, होम मिनिस्टर नू मैं चिट्ठियां लिखी हैं कि जो जो साढ़े हाथ के मैं सारे नू दसना चाहना कि जो भी फ्रीडम फाइटर का पोता है या पोती है उनका जो प्रोटोकॉल जो स्टेटस है एस एस टी के बराबर है और गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर है। कोई एस एच ओ अपने से पर्चा नहीं कर सकता, कोई जो कोई पर्चा करेगा उस बंदे की दस कर देंगे जो किसी परिवार के पर्चा करेगा। अगर किसी ने ऐसी कोई दिक्कत आ रही है खालसा जी टेलीफोन करो, मैनू टेलीफोन करो, अधी रात में हल रहेगा। अपने अपने परिवार को 3% की रिजर्वेशन है, बेशक जुडिशरी की नौकरी है, स्कूलों के बच्चों की एडमिशन है या मेडिकल कॉलेज की कोई एडमिशन है। जुडिशरी के तहसीलदार या एस डी एम सिविल सर्विस के पुलिस के भी साढ़े 3% की रिजर्वेशन है, जिड़ी कि पहले गवर्नमेंट ने 5% तो 3% कर दी। सानू किसी टोल टैक्स से अगर आपके को आई कार्ड है असली टोल टैक्स देने का हकदार नहीं है। इन्हें फॉलोअप कर रहे हैं और अगर साढ़े किसी परिवार से कोई दुर्घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, एस डी एम से तहसीलदार जो तक अखीरले दिन तक अधिकार लगानी पड़ेगी, सानू सम्मान देना पड़ेगा। और अगर असी जाने हैं बेशक डीजीपी को जाने हैं या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जाने हैं, इस चीज में फॉलोअप दिखता आया कि साढ़ा अगर कोई परिवार का मैंबर जाता है डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को खड़े होकर सानू आई कुर्सी छड़ के साढ़ा स्वागत करना पड़ेगा, सानू मान सत्कार देना पड़ेगा। यही गल एस एस पी और डीसी से भी लागू करवा रहे हैं। और एक मैं हाई कोर्ट की रूलिंग करके ले आया कि सरकार अपने किसी परिवार की प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं कर सकती, आम आदमी का बहुत दूर की गल है। अगर किसी ना कोई धक्का होता तो दसो, थोड़े वास्ते मैं लड़ाई लड़ा हूँ, साहब बैठे हैं